गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर एचएस यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एमएलएस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जैसलमेर। देखो बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है, उसमें अपन अमीनो एसिड्स के बारे में इससे पहले जो वीडियो है उनमें डिस्कशन किया था। आज अपन अमीनो एसिड से रिलेटेड ही एक टॉपिक है जिसका नाम है एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड्स और ज्यूटर आयन, तो इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी अमीनो एसिड्स की कुछ स्ट्रक्चर बताई थी, और आज अपन यहाँ पे एक बार दोबारा से देख रहे हैं ये अमीनो एसिड्स की क्या होती है, बेसिक एक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो दो पार्ट है, एक तो अमीनो ग्रुप है और एक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दो ग्रुप है, अर्थात जो अमीनो ग्रुप है कौन सा, अमीनो ग्रुप, ठीक है, और ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो यदि एसिड बेस बिहेवियर देखते हैं तो देखो ये अमीनो एसिड है, दो ग्रुप रखता है, अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जो अमीनो ग्रुप है वो बिहेव करता है एज ए बेसिक ग्रुप का, और ये किसका बिहेव करेगा, ये एसिडिक ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक। और बेसिकली अपन जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एसिडिक ग्रुप भी है, और ये क्या है, अमीनो एक बेसिक ग्रुप है। अब देखो एक टर्म और आती है जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, अर्थात एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो वे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों का क्या रखते हैं, बिहेवियर रखते हो। तो यहाँ पे अमीनो एसिड एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, इसलिए ये एक तरह का क्या है, एम्फोटेरिक कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो दिया गया है वो एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है। अब देखो जब इसको किसी एक के जो स्पेसिफिक जो पीएच है उसके आधार पे या जो अपन कंडीशन के आधार पे देखते हैं कि जब अमीनो एसिड की अपन जैसे बात करें एट लो पीएच पे अपन इसकी बात करते हैं, या जिसको बोल सकते हैं अपन एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, अमीनो ग्रुप का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है। अर्थात जब भी एसिडिक कंडीशन होगी तो क्या होगा, प्रोटोन होगा, और ये प्रोटोन किससे जुड़ेगा, इस ग्रुप से जुड़ेगा, अर्थात अमीनो ग्रुप का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन, अर्थात प्रोटोनेटेड हो जाता है। और ये जो ग्रुप है वो NH2 ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाता है, NH2 ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। जबकि बेसिक कंडीशन या एट हाई पीएच या बेसिक कंडीशन, इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि बेस यदि बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो डी प्रोटोनेशन होगा, किसका, जो कार्बोक्सिल ग्रुप पे जो प्रोटोन दिया गया है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटोन, कहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से होगा, अर्थात जो COOH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अर्थात यदि अपन बात करें एक ज्यूटर आयन की, तो यहाँ पे देखो कि जो कंडीशन है वो अमीनो एसिड की एट लो पीएच और एट हाई पीएच, अर्थात अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो रहा है। तो मैं इन दोनों को एक साथ आप लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यदि इसको एक्वा सॉल्यूशन में रखा जाए, इसको अमीनो एसिड्स दोबारा से देखो,
ये स्ट्रक्चर है। यदि एक्वस सॉल्यूशन और एक स्पेसिफिक क्या हो पीएच हो, तो यहां पे देखो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, एनएस थ्री प्लस सी आर एच और यहां पे क्या आ रहा है ओ ये ओ नेगेटिव, ठीक है। अर्थात यहां पे ये पार्ट पॉजिटिव पार्ट है और ये कौन सा पार्ट आ रहा है नेगेटिव पार्ट आ रहा है, ठीक है। अर्थात यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं न्यूट्रल कर रहे हैं। अर्थात यहां पे क्या है नेट न्यूट्रल चार्ज और जो ये पूरा है इसको बोलते हैं अपन ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है ज्यूटर आयन। तो बच्चों काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्यूटर आयन की क्या स्ट्रक्चर होती है और किस प्रकार की कंडीशन पे होता है। तो यहां पे देखो कि एक इंटरनल हाइड्रोजन ट्रांसफर के कारण से इंटरनल हाइड्रोजन ट्रांसफर क्या हुआ कि ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है कहां पे इस NH2 ग्रुप पे। तो एक इंटरनल हाइड्रोजन ट्रांसफर से एक आयन क्रिएट हो रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी चार्ज है, इसका नाम दिया गया है ज्यूटर आयन। अर्थात डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो ए ज्यूटर आयन इज ए कंपाउंड विद नो ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज। अर्थात ओवरऑल वो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रखता, अर्थात क्या होता है न्यूट्रल होता है, बट विच कंटेन्स सेपरेट पार्ट्स विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अर्थात ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज है लेकिन इसमें दो पार्ट्स है, जो एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक क्या होता है नेगेटिव पार्ट्स होता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं ज्यूटर आयन बोलते हैं। तो ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ज्यूटर आयन है वो क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर पर्टिकुलर जो चार्ज होता है वो क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि एक इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर के कारण से यहाँ पे एक ज्यूटर आयन क्रिएट हो रहा है जिसके ऊपर ओवरऑल देखा जाए तो क्या आ रहा है न्यूट्रल चार्ज आ रहा है। तो ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे एक जो बात करते हैं कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसके बारे में करते हैं। लेकिन देखो फिर से एक माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वी कैन से दैट एन अमीनो एसिड इज एसिड या बेसिक। अर्थात अपन कैसे कह सकते हैं कि अमीनो एसिड एक एसिडिक भी होता है और एक बेसिक भी होता है। तो उसके लिए एक कुछ रिएक्शन है उसके आधार पे अपन यहाँ पे देख सकते हैं। देखो सबसे पहले अपन जैसे मान लो सपोज करो कि एक ज्यूटर आयन है, तो यदि देखो अपन बेसिक अमीनो एसिड्स देखें बेसिक अमीनो एसिड क्षारीय, तो यहाँ पे देखो ज्यूटर आयन है क्या है ये ज्यूटर आयन है, यहाँ पे मैंने ज्यूटर आयन को लिखा है जिसको मैं लिख भी देता हूं ज्यूटर आयन, ठीक है। यदि इसकी रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं एच प्लस जो एक्वस सॉल्यूशन है अर्थात एसिडिक कंडीशन, अर्थात ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है कौन ज्यूटर आयन, तो यहां पे देखो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, क्या सिचुएशन क्रिएट होगी अर्थात कार्बोक्सिलेट आयन का क्या होगा प्रोटोनेशन होगा, अर्थात आर सी एन एस थ्री प्लस और ये क्या बनेगा सी डब्लो एच, अर्थात ये पॉजिटिव चार्ज के कंपाउंड क्या हो रहा है क्रिएट हो रहा है, अर्थात नो लॉन्गर ए ज्यूटर, ठीक है पॉजिटिव चार्ज। अर्थात इस कंडीशन में जो ये ज्यूटर आयन है वो किसका बिहेव कर रहा है बेस का बिहेव कर रहा है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में क्या है जैसे देखो यहाँ पे ये ज्यूटर आयन के मैंने दोबारा स्ट्रक्चर बना रहा हूं और ये क्या दिया हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन प्लस इसकी रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं अर्थात जो हाइड्रोक्सिल आयन बेस से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये प्रोटोन को कैप्चर कर लेगा अर्थात ग्रहण कर लेगा और यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा NH2 ग्रुप अर्थात आर सी एन एस टू
ये क्या है, कार्बोक्सिलिक आयन, अर्थात नेगेटिव चार्जेड कंपाउंड जो नो लॉन्गर जुट रहा है। तो यहां पे देखो ये बेस से रिएक्शन कर रहा है, तो ये किसका भी ये करेगा, एसिड का। तो ये क्या क्या हुआ, एसिडिक अमीनो एसिड। तो इसको कह सकते हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड है, और इसको कह सकते हैं कि ये बेसिक है, अर्थात ये एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है। तो देखो इस वीडियो के माध्यम से अपन ने एसिड बेस बिहेवियर और ज्यूट्राइड के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।